हेलो एंड वेलकम टू वर्क ट्यूटोरियल्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मनी हम टू क्वेश्चन सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन के और टू क्वेश्चन डिविजन के एंड बोथ विल बी वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मनी ओनली अगर आप मनी रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम देखना चाहते हैं ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं सो लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट विदर्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे the cost of a cricket bat is rupees 550.25 फिफ्टी पॉइंट टू फाइव पॉइंट से बाद वाला नंबर जो होता है वो पैसे का अमाउंट होता है और 550 हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट से पहले फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज वाला अमाउंट है तो कैसे पढ़ेंगे इसे फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी पैसे सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट बैट इज 550.25 एक क्रिकेट बैट की कॉस्ट कितनी है 550.25. फिफ्टी पॉइंट टू फाइव फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिक्स सच बैट्स ऐसे ही अगर सिक्स बैट्स हैं तो उनकी कॉस्ट क्या होगा तो उसके लिए क्या करेंगे अगर एक बैट का प्राइस है 550, हमें सिक्स बैट्स का फाइंड आउट करना है तो नॉर्मली हम क्या करेंगे 550.25, 550.25, इसको हम सिक्स बार ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है बट मल्टीप्लीकेशन में हम और क्या कर सकते हैं इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बैट के प्राइस को अगर हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सिक्स बैट्स का प्राइस आ जाएगा ठीक है सो so, जब भी हम स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें स्टेटमेंट्स भी लिखने होते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा कॉस्ट ऑफ वन बैट वन बैट का प्राइस हम लिखेंगे फाइव हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट टू फाइव कॉस्ट ऑफ सिक्स बैट्स सिक्स बैट्स का क्या होगा वन बैट के प्राइस को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सिक्स से अब देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे फाइव हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्स थोड़ी देर के लिए आप इस डेसिमल को भूल जाइए और नॉर्मली हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स इन फाइव थर्टी ज़ीरो यहाँ पर लिखेंगे थ्री कैरी दे, दे देंगे देन सिक्स इंटू टू ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन फाइव लिखा यहाँ पर वन फिर से कैरी दे, दे दिया सिक्स इंटू ज़ीरो 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 प्लस वन वन देन सिक्स इंटू फाइव थर्टी ज़ीरो लिखेंगे थ्री यहाँ पर सिक्स फाइव ज थर्टी थर्टी प्लस थ्री थ्री एड कर दीजिए 33. थ्री दिस विल बी अर आंसर ठीक है अब जब हमारा आंसर आ गया है अब क्या करेंगे क्वेश्चन में हमारे पास दो डिजिट से पहले डेसिमल था राइट साइड से देखेंगे तो दो डिजिट से पहले डेसिमल है तो ऐसे ही राइट साइड से दो डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा थ्री जी, थ्री थ्री जीरो वन पॉइंट फाइव जीरो ठीक है थ्री थ्री जीरो वन पॉइंट फाइव जीरो सिक्स बैट्स का प्राइस हमारे पास आ गया है सो आंसर स्टेटमेंट विल बी हेंस द कॉस्ट ऑफ सिक्स बैट्स इज रुपीज थ्री थ्री जीरो जीरो थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन एंड फिफ्टी पैसा थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन रुपीज एंड फिफ्टी पैसा और राइट नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है नेहा बाइज फिफ्टीन पेंसिल बॉक्सेज एट द कास्ट ऑफ वन फिफ्टी पॉइंट सेवन फाइव पर पेंसिल बॉक्स अब नेहा ने पेंसिल बॉक्सेज लिए कितने पेंसिल बॉक्सेज लिए फिफ्टीन पेंसिल बॉक्सेज लिए और एक पेंसिल बॉक्स का प्राइस कितना था वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज पॉइंट सेवेंटी फाइव पैसे ये पैसे वाला अमाउंट है ये रुपीज वाला अमाउंट है वन फिफ्टी रुपीज एंड सेवेंटी फाइव पैसे का एक बॉक्स है हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल इन टोटल फिफ्टीन पेंसिल बॉक्सेस लेने के लिए नेहा ने कितना अमाउंट स्पेंड किया होगा सो so, सिंपली हम अगर एक पेंसिल बॉक्स का प्राइस है वन फिफ्टी पॉइंट सेवन फाइव तो फिफ्टीन पेंसिल बॉक्स का प्राइस कितना होगा फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी पॉइंट सेवन फाइव यही हमें क्वेश्चन में करना है सो so, सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट देखेंगे क्या है सबसे पहले लिखा गया है नेहा बाय पेंसिल बॉक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज वन फिफ्टी पॉइंट सेवन फाइव पर पेंसिल बॉक्स सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बॉक्स एक पेंसिल बॉक्स का प्राइस हमें गिवन है जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं गिवन क्या है एक पेंसिल बॉक्स का प्राइस हमें गिवन है सो so, हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बॉक्स इज़ इक्वल टू वन फिफ्टी पॉइंट सेवन फाइव कॉस्ट ऑफ फिफ्टीन पेंसिल बॉक्सेस तो फिफ्टीन पेंसिल बॉक्सेस का प्राइस कितना होगा वन फिफ्टी पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन देन वी विल मल्टीप्लाई राइट सो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन अब थोड़ी देर के लिए हम डेसिमल भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली जैसे हमें मल्टीप्लीकेशन आता है और राइट सो फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव लिखा यहाँ पर टू कैरी दे दिया और राइट सेवन फाइव ज फाइव इंटू सेवन थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस टू थर्टी सेवन सेवन एंड थ्री हमने कैरी दे दिया फाइव इंटू ज़ीरो 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 प्लस थ्री फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव यहाँ पर लिखेंगे टू कैरी देंगे फाइव इंटू वन फाइव प्लस टू सेवन और राइट देन वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू फाइव फाइव वन इंटू सेवन सेवन वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो वन इंटू फाइव फाइव वन इंटू वन वन अब हम एडिशन करेंगे फाइव सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व वन कैरी देंगे अलेवन फाइव एंड वन सिक्स सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व वन एंड वन टू और राइट अब क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल कहाँ था राइट right साइड से देखेंगे टू डिजिट से पहले डेसिमल था सो हम आंसर में भी टू डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे आंसर हमारा क्या आ गया टू टू सिक्स वन पॉइंट टू उंड सो right. so, इस तरह से सॉल्व करेंगे एंड आंसर स्टेटमेंट विल बी हेंस द कॉस्ट ऑफ फिफ्टीन पेंसिल बॉक्सिस इज रुपीज टू थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी वन एंड ट्वेंटी फाइव पैसे और राइट यह हमारा आंसर आ गया नेहाज पेंट रुपीज टू टू सिक्स वन पॉइंट टू फाइव इन टोटल क्वेश्चन में यही पूछा गया था हाउ मच डिट शी स्पेंट इन टोटल नेहा स्पेंट टू टू सिक्स वन पॉइंट टू फाइव इन टोटल और राइट नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन है डिवीजन का और राइट क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है पढ़ते हैं क्वेश्चन है सैम बॉड सेवन फुटबॉल्स फॉर रुपीज टू टू फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फाइव जीरो टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज एंड फिफ्टी पैसा इसकी इतने अमाउंट की सामने सेवन फुटबॉल्स परचेज करी हैं हाउ मच डिड ही पे फॉर वन अब एक फुटबॉल कितने की परचेज करी होगी और राइट right, अगर सेवन फुटबॉल्स सामने ली हैं इतने अमाउंट की तो वन फुटबॉल कितने की होगी इसके लिए हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे टू टू फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो को डिवाइड कर देंगे हम सेवन से तो इससे क्या आ जाएगा वन फुटबॉल का प्राइस आ जाएगा ऑलराइट? राइट सेवन फुटबॉल का प्राइस हमें दिया है यह है सेवन फुटबॉल का प्राइस। एक फुटबॉल का प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम इस टोटल अमाउंट को अगर सेवन से डिवाइड कर देते हैं सो हमारा वन फुटबॉल का प्राइस आ जाता है हमारे पास सो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ सेवन फुटबॉल्स सेवन फुटबॉल्स का क्या प्राइस है टू टू फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो कॉस्ट ऑफ वन फुटबॉल कैसे फाइंड आउट करेंगे टू टू फाइव ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो को हम डिवाइड कर देंगे सेवन से सो स्टूडेंट्स डिविजन कैसे करेंगे सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करते हैं और डेसिमल हम बाद में लगाएंगे अभी आप ये डेसिमल भूल जाइए ठीक है हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं सो सेवन इंटू

इज इक्वल टू सेवन अब माइनस कर देते हैं टेन माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री नेक्स्ट रिजल्ट को वैसे ही नीचे लेके आएंगे ठीक है देन फाइव सेवन इंटू फाइव इज इक्वल टू थर्टी फाइव सब ट्रैक्ट करते हैं जीरो देन जीरो सेवन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो डन ठीक है अब देखिए क्वेश्चन में दो डिजिट से पहले पॉइंट था तो हम यहाँ पर भी दो डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे हमारा आंसर आ गया थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव ठीक है ये हमारा आंसर आ गया और ये एक एक फुटबॉल का प्राइस है All right? ये देखिए ये आपके एक फुटबॉल का प्राइस आ गया है डेसिमल हम लगा देंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ वन फुटबॉल इज रुपीज थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन Point five zero, three hundred twenty one rupees and fifty paise. Fifty paise, answer ajate. Hence, the cost of one football is three hundred twenty one rupees and fifty paise. All right. So now, fourth question. Fifteen pence cost rupees two hundred fifty point five zero. Two hundred fifty rupees or fifty paise. इसकी कितनी पेन्स हैं फिफ्टीन पेन्स हैं ठीक है कितनी पेन्स हैं इस अमाउंट की फिफ्टीन पेंस अगर फिफ्टीन पेन्स हैं टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फाइव जीरो रुपीज़ की हाउ मच डज ईच पेन कॉस्ट तो एक पेन का क्या प्राइस होगा सिंपल अगर फिफ्टीन पेन्स का प्राइस है टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फाइव जीरो तो फिफ्टीन पेन्स का कितना हो जाएगा टू हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फाइव ज़ीरो डिवाइडेड बाय फिफ्टीन और राइट हम इसे फिफ्टीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट्स लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फिफ्टीन पेंस रुपीज टू हंड्रेड फिफ्टी एंड फिफ्टी पैसे कॉस्ट ऑफ वन पेन निकालने के लिए हम फिफ्टीन से डिवाइड कर देते हैं ऑल राइट सो लेट स्टार्ट डिविजन फिफ्टीन इंटू वन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन टेन देन हम जीरो को ब्रिंक डाउन करते हैं हंड्रेड हो जाता है यहाँ पे और राइट फिफ्टीन इंटू सिक्स इज इक्वल टू नाइंटी तेन सब्ट्रैक्ट करेंगे टेन देन फाइव ब्रिंकडाउन करते हैं वन हंड्रेड फाइव फिफ्टीन इंटू सेवन वन हंड्रेड फाइव अगेन सब्ट्रैक्शन देन लास्ट इज इट ब्रिंग डाउन करते हैं फिफ्टीन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये हमारा आंसर आ जाता है अब क्वेश्चन में क्या था दो डिजिट से पहले डेसिमल था तो हम आंसर में भी फ्रॉम राइट हैंड साइड दो डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे और राइट सो आंसर क्या हो जाता है हमारा सिक्सटीन पॉइंट सेवन जीरो सिक्सटीन रुपीज एंड सेवेंटी पैसे और राइट सो दिस इज द आंसर आंसर स्टेटमेंट एट द एंड कैसे लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज सिक्सटीन रुपीज एंड सेवेंटी पैसे सिक्सटीन पॉइंट सेवन जीरो ठीक है क्वेश्चन में यही पूछा गया था हमसे हाउ मच डज ईच पेन कॉस्ट द कास्ट ऑफ वन पेन इज सिक्सटीन रुपीज सेवेंटी पैसे और राइट सो स्टूडेंट दीज व सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मनी आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय